तो खबर है झारखंड के पलामू जिले से, जहां पर की कोयला चोरी के आरोप में एक युवक को जेल भेज दिया गया है। साथ ही कोयला लदे चार मोटरसाइकिल को भी आरपीएफ ने जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ इंस्पेक्टर राकेश रंजन के नेतृत्व में चलाया गया था छापेमारी अभियान। उंटारी रोड से उमेश कुमार मेहता की रिपोर्ट। पलामू मुगलसराय रेल खंड के करकट्टा रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से कोयला की चोरी करते हुए करकट्टा गाँव निवासी पारसनाथ मेहता के पुत्र गोविंदा मेहता को आरपीएफ के एक टीम ने दबोच लिया है। जपला आरपीएफ इंस्पेक्टर राकेश रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोयला चोरी की गुप्त सूचना के आधार पर करकट्टा रेलवे स्टेशन पर दल बल के साथ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें खड़ी मालगाड़ी से कोयला चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा गया है, जबकि कोयला लदे चार मोटरसाइकिल को भी साथ में जब्त किया गया है। इंस्पेक्टर श्री रंजन ने आगे कहा कि जब्त मोटरसाइकिल के मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई किया जा रहा है। इस छापेमारी अभियान में आरपीएफ के उप निरीक्षक निशांत कुमार, प्रधान आरक्षी ओम प्रकाश उपाध्याय, अजय कुमार चौधरी, मनोज कुमार यादव, विजय कुमार सिंह, अबरार रफीक के साथ टीम के कई अधिकारी मौजूद थे।